आज मैं आपको HTC के एक फ़ोन का रिव्यू देने वाला हूँ कि ये फ़ोन हमें मार्केट से लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसका जो मॉडल नंबर है डेट इज़ 816G HTC का है। इसकी जो अगर स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन आपकी 5.5 इंच की है विथ कैपेसिटिव टच स्क्रीन। ये 12 सिम सपोर्ट करता है एंड दैट इज नैनो सिम सपोर्ट एंड काफ़ी लाइट वेट है, 158 ग्राम का ही है केवल। OS की बात की जाए तो OS इसमें है KitKat 4.4.2 जो कि काफ़ी स्टेबल वर्जन है एंड्रॉयड का। CPU इसमें ऑक्टा कोर 1.7 GHz का है, दैट इज़ क्वाइट गुड। RAM इज़ 1 GB जो कि थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम है, 1.5 या 2 GB की होती तो काफ़ी बेटर होती। और अगर इंटरनल इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो इंटरनल जो स्टोरेज है वो 8 GB का है और जो आप कार्ड जो इसमें सपोर्ट करता है डेट इज़ अप टू 32 GB जो मेरे ख्याल से थोड़ा कम है। 64 GB का होता है या 128 GB का होता है डेट विल बी बेटर। एंड कैमरे की बात की जाए तो इसमें कैमरा है जो 13 MP का है विथ LED फ्लैश, 13 MP इज गुड। और अगर सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो वो 5 MP सपोर्ट करता है। एंड अगर इसकी बैटरी देखें तो बैटरी है 2600 mAh की जो कि 5.5 इंच वाले स्मार्टफोन के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये आपको 10 आवर्स का टॉक टाइम देती है अगर आप इसे 3G में यूज़ करते हैं। और अगर आप मार्केट में इसे लेने जाएंगे तो ये आपको 2 कलर में मिल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं इसको आई हैव बीन यूजिंग दिस फ़ोन फॉर 2 or 3 months एंड मुझे कोई हैंग वाली कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें काफ़ी स्मूथ है, इसमें काफ़ी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाती है। लेट्स प्ले टेंपल रन, आई कैन शो यू सी। सो ये जो मैंने फ़ोन लिया था 3 months पहले लिया था जो कि मुझे 18,000 का पड़ा था, अब शायद थोड़ा कम में मिल जाए आपको। ओवरऑल इट्स अ गुड फ़ोन। अगर मुझे इसे 10 में से पॉइंट्स देने होंगे तो मैं 10 में से 7 दूंगा, 3 पॉइंट्स मैं इसमें से काट दूंगा, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरनल मेमोरी इसमें कम दी गई है एंड सेकेंड थिंग स्टोरेज भी इसका जो है मैक्सिमम सपोर्ट वो भी कम है। थैंक यू।